नमस्कार, वेलकम टू लाइव सिटीज। मेरा नाम है जिज्ञासा और आप सबों के साथ आज बातें कर रही हूँ बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट की। मुझे पता है फ्रेंड्स, आप सबों को पता है कि रिजल्ट 20 जून को आने जा रहा है। आप सबों के दिल की धुकधुकी भी मैं सुन रही हूँ। ऐसा ही होता है, जब मेरा रिजल्ट भी आने को था तब मेरे दिल की धड़कनें भी कुछ इस कदर ही बढ़ी हुई थी। फ्रेंड्स, आज आपको मैट्रिक रिजल्ट के बारे में 10 पॉइंट्स बताऊंगी, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। लास्ट में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करनी है। पॉइंट नंबर 1, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में साल 2018 में टोटल 17,70,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। 21 फरवरी से 29 फरवरी तक लिए गए थे एग्ज़ाम। बिहार भर में कुल 1,426 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे। पॉइंट नंबर 2, 20 जून को बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर पटना में करेंगे मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान। रिजल्ट घोषित होते ही इसे हम आप सभी देख सकेंगे biharboard.ac.in पर। वेबसाइट पर रिजल्ट देखने को आप रोल कोड और रोल नंबर ठीक से याद रखें। पॉइंट नंबर 3, मैट्रिक के टॉपरों को स्टेट गवर्नमेंट करेगी सम्मानित। पहले टॉपर को 1,00,000, दूसरे को 75,000, तीसरे को मिलेगा 50,000 का कैश रिवॉर्ड, साथ में लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर भी। रिजल्ट के ऐलान के पहले सभी टॉपरों का बोर्ड कर रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन, हैंड राइटिंग का भी किया जा रहा है मिलान। पॉइंट नंबर 4, मैट्रिक 2017 के रिजल्ट में करीब आधे स्टूडेंट्स हो गए थे फेल। पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज 50.12% था। 28.91% गर्ल्स और 21.21% बॉयज स्टूडेंट्स ने सफलता हासिल की थी। पॉइंट नंबर 5, 2017 के मैट्रिक रिजल्ट में लखीसराय के मानो के श्री गोविंद हाई स्कूल के छात्र प्रेम कुमार ने किया था टॉप। प्रेम को मिले थे 93% मार्क्स। सेकंड और थर्ड टॉपर जमुई के सिमुलतला आवासीय स्कूल की भाव्या और हर्षिता थी। पॉइंट नंबर 6, 2017 का रिजल्ट 2016 की तुलना में थोड़ा सुधरा था। 2016 में मात्र 47.15% स्टूडेंट्स ही सफल हुए थे। हाँ, जब बिहार की परीक्षाओं में कदाचार का बोलबाला था तब 2015 में 75.15% स्टूडेंट्स पास कर गए थे। 2017 में मैट्रिक का बेहतर रिजल्ट देने में सबसे टॉप पर छपरा जिला था। छपरा के 59.34% छात्र पास हुए थे। दूसरे और तीसरे पायदान पर बेतिया और किशनगंज जिला था। सबसे खराब रिजल्ट बक्सर का आया था। बक्सर में मात्र 36.23% छात्र पास हुए थे। नीचे से दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट था। पॉइंट नंबर 7, 2017 में रिजल्ट को 2016 की तुलना में बेहतर करने को बिहार बोर्ड ने फेल हो रहे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने का डिसीजन लिया था। ठीक इसी तरीके से डिवीजन सुधारने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे। पॉइंट नंबर 8, 2017 में बिहार बोर्ड की तब भद पिट गई थी जब कॉपी बदले जाने के कारण सहरसा की प्रियंका कुमारी फेल कर दी गई थी। मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंचा था। तब फेल प्रियंका फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई थी। साथ में बिहार बोर्ड को 5,00,000 का जुर्माना भी भरना पड़ा था। पॉइंट नंबर 9, 2018 का मैट्रिक रिजल्ट घोषित करने के पहले बिहार बोर्ड बहुत टेंशन में है। कारण, इंटर के रिजल्ट में हुई गड़बड़ियां हैं। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चेयरमैन आनंद किशोर सफाई देते देते परेशान हैं। और अब पॉइंट नंबर 10, मैट्रिक के रिजल्ट के तुरंत बाद दोस्तों आपको इंटर में पढ़ाई के लिए अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। सोच समझ कर करिएगा, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, फैसला अपनी रुचि से करिएगा। ज़बरदस्ती कर लिए तो आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अंत में बहुत ज़रूरी बात सभी पेरेंट्स से करना चाहती हूँ, ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे मैट्रिक के रिजल्ट से ज़्यादा प्यारे हैं। उन्हें आपने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। सो अभी किसी कारण रिजल्ट कुछ गड़बड़ भी हो गया है तो बहुत डांटिएगा मत, उसे प्यार से समझाइएगा। विश्वास करिए, आपने मोटिवेट कर दिया और बच्चे के कॉन्फिडेंस को ज़िंदा रखा तो वो अगले साल बहुत बढ़िया करेगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी अपडेट्स हैं आप तक सबसे पहले पहुँचें। नमस्कार।